आजकल जहां देश और दुनिया में लोगों पर कोरोना वायरस नामक महामारी कहर बरपा रही है, वहीं भारत में जमातियों पर कुछ लोग जमकर जहर उगल रहे हैं। हद तब हो गई जब यूपी के रामपुर मनिहारन कस्बे में क्वारंटीन में रखे गए लोगों के संबंध में आपत्तिजनक खबर न केवल सोशल मीडिया पर फैलाई गई बल्कि कई बड़े अखबारों ने भी इसे प्रकाशित कर दिया, जिस पर पुलिस को आगे आकर खबर का खंडन करना पड़ा। आपको बता दें, रामपुर मनिहारन कस्बे के जैन इंटर कॉलेज में कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां 98 लोगों को रखा गया। इसमें कुछ लोग वो हैं जो लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हैं और यहीं के रहने वाले हैं, और कुछ जमाती हैं जो पहले से आए हुए हैं और लॉकडाउन के कारण यहाँ से जा नहीं पाए। सोशल मीडिया पर कल इनको लेकर खबर चल रही थी कि जमात के लोगों ने खाने में नॉनवेज खाना ना मिलने पर हंगामा काटा और एक ने तो मैदान में ही शौच कर दिया। यही खबर सुबह कुछ प्रमुख अखबारों में भी छप गई, जिस पर हंगामा मच गया। आनन फानन में पुलिस जांच करवाई गई, डीएम ने भी एसडीएम को जांच के आदेश दिए, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने खबर को गलत बताते हुए इसका बकायदा प्रेस नोट जारी कर खंडन किया। बताया जा रहा है पुलिस इस मामले में शामिल पत्रकारों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करेगी। इस संबंध में रामपुर के कुछ लोगों ने घटना पर जमकर नाराजगी जताई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शमशीर कासमी, जो यहाँ कस्बे के जिम्मेदार हैं। हम जो जमात को लेकर एक गलत मैसेज कुछ दैनिक अखबारों के द्वारा फैलाया गया है, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि मौलाना ये जो दैनिक अखबारों में कुछ समाचार पत्रों में जो है क्वारंटाइन किए गए लोगों जमातियों को लेकर जो खबर प्रकाशित की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज के हिंदी अखबार ने तबलीगी जमात के लोगों से मुतालिक जो खबर चलाई है, शाये की है, वो हकीकत से परे है। ना तो जैन कॉलेज में कोई विदेशी आदमी जमात में है, विदेश का कोई आदमी जमात में है, और ना ही इस तरह का कोई मामला हुआ है जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये सारी की सारी अफवाह है और इस पर मैं समझता हूँ इसका कंडेम किया जाना चाहिए। और मीडिया एक ऐसा शोबा है जिस पर हम लॉकडाउन में एतमाद करके खबरें हासिल करते हैं। अगर मीडिया के ज़रिए इस तरह की मनगढ़ंत और शांति के ख़िलाफ़ खबरें चलेंगी तो इससे मीडिया का वक़ार। और इस विषय में जब ये खबर चली, पूरे ज़िले से लोगों के मैसेज और फ़ोन आए, तो इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एसएसपी साहब को और हमारे कोतवाल साहब को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस खबर का खंडन किया। और इस वक्त लोगों को संयम बनाए रखना चाहिए, ये एक अफवाह थी, इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही इस तरह के वहाँ हालात हैं। वहाँ हालात सामान्य हैं और इंशाल्लाह सामान्य रहेंगे, ना ही किसी किस्म की कोई उन्होंने बदनज़मी की है। जो चीज़ें चलाई जा रही हैं वो हकीकत के ख़िलाफ़ है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मामला मीडिया में उछला है, काफ़ी प्रकाश में ये मामला आया है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी किस हद तक ये बात सही? देखो, ये जो कुछ हमें सुनने में आया है और अखबारों में पढ़ने में आया है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। किसी बात को गलत अंदाज से पेश करना और कुछ समुदाय में एक बात गलत फैलाना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं और अच्छी सोच के भी ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उसकी पूरी जानकारी, पूरी तहकीक करके बाद अगर कोई गलत है तो उसे चलाओ, हम इसके आपके साथ हैं। लेकिन उसको घुमाकर, गलत उसको रुख देकर आप लोगों को के भावनाओं को, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाओ तो ये अच्छा नहीं। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त पूरा मुल्क जो है बहुत बड़ी मुसीबत से गुज़र रहा है। मेरी तो सभी से दरख्वास्त है, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी मज़हब के लोग हैं, मिलजुल कर हम लोग साथ चलें, लोगों की मदद भी करें और जो बीमार हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। इस घड़ी में तो हमें एक होके चलना ही चाहिए। मुद्दत हो गई नफ़रतें फैलते फैलते, ये एक वक्त आया था मोहब्बत बांटने का। मेरी सभी से दरख्वास्त है, अगर ये इनसे गलती हुई, ये हकीकत है गलती हुई है, वो चाहिए उनको कि वो अखबार में उसको दोबारा जाहिर करें कि ये हमसे गलत खबर फैलाई गई है। हम सही आपको बताते हैं, पूरी जितनी हमारे यहाँ जमात आई हैं तकरीबन 6 जमातें हैं,
उनमें कोई भी जमात विदेशी नहीं है। एक तो ये खबर चलाई गई कि विदेशियों ने बिरयानी चिकन मांगी है। हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे हिंदुस्तान का मीडिया, जिसको पूरी कौम का और पूरे मुल्क का आईना समझा जाता था, आज वही जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं कि इस मुल्क में अमन और इंसाफ की बात करने वाले, मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हमें इस पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। असल यह है कि हमारी यहाँ 6 की 6 जमातें जितनी भी हैं कोई विदेशी नहीं है, ज़्यादातर उनमें उत्तर प्रदेश के हैं, सभी भारतीय हैं और सभी का हमने टेस्ट कराया था, सभी की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। उसमें एक बात ये कही गई है कि क्वारंटाइन किए गए वो संदिग्ध बताया गया है उनको, कोरोना संदिग्ध, हालांकि ये बहुत ज़्यादा झूठी बात है। जब सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है तो फिर संदिग्ध वाली बात कहाँ है। डॉक्टर यहाँ की पूरी टीम सरकारी लोग थे, हमारे साथ पुलिस प्रशासन के भी लोग थे, हमारे कस्बे के जिम्मेदारान मस्जिद मस्जिद जाकर सबका टेस्ट किया और हम लोगों ने इसमें प्रशासन का और डॉक्टरों का पूरा तआवुन किया है। दूसरी बात यह है कि यूँ कहा गया है कि वहाँ खुले में शौच किया, बिरयानी मांगी, ये बहुत गलत बात है। मैं बताता हूँ सही क्या है। पहले दिन जिस वक्त, बल्कि सारी जमातों को हमने खुद पहुँचाया, जैसे हमें हुक्म मिला, आदेश मिला, हम सब ने उसका पूरा पालन किया। हमने कहा आप बेफिक्र रहो, सारी जमातों को हम भेजेंगे। हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे मेहमान हैं, बल्कि जितने भी लोग वहाँ हैं वो हमारे अपने हैं, किसी भी मज़हब धर्म के लोग हों, वो हमारे अपने हैं। उनकी खिदमत करना, उनकी देखभाल करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक तो ये कि पहले दिन गए तो खाने का वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम शुरू में हो भी नहीं सकता, एकदम से इमरजेंसी है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो पहले दिन खाना आया, जो भी आया उन्होंने खाना खाया और वो डिस्पोजल बर्तन थे, खाना खाकर वो बर्तन उन्होंने एक तरफ डाल दिए। ये कहा गया कि इन्होंने खाना फेंका, ये झूठी बात है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप बराह रास्त उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कहा गया कि खुले में शौच किया है, ये बहुत ही घिनौनी और घटिया सोच की बात है कि किस बात को किस तरह पेश किया गया। वहाँ तकरीबन 102 लोग, जिनमें 67 लोग वो थे जो मस्जिदों से, हमने सब ने आपस के मेलजोल से मोहब्बत से उनको एक एक को वहाँ पहुँचाया है। यूँ कहा गया कि वहाँ से पकड़े गए, ये कितनी घटिया बात है, छुपे हुए थे, ये कितनी घटिया बात है, बल्कि हमने ही उनको पहुँचाया है। और वहाँ वो 102 लोगों के लिए शायद 2 ही लैट्रिन बाथरूम थे और सुबह के वक्त में एक लंबी लाइन लगी, उनमें कुछ बुज़ुर्ग थे जो बेचारे, उनको मजबूरी हुई। और बता रहे वो छोटी जगह नहीं है, वो जैन इंटर कॉलेज तकरीबन वो 6 बीघे का ग्राउंड है पूरा, अलग में जाके उसने बेचारे ने अपनी ज़रूरत पूरी की। वजह उसकी यह है कि इंतज़ाम नहीं था। उसी दिन हमें इत्तला हुई कि ऐसा हुआ, हम फौरन अपने यहाँ के अधिशासी अधिकारी जो हैं हमारे, वो भी बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने उनके सामने रखी, रामपुर मनिहारान के जो अधिकारी हैं हमारे पूरे कस्बे के ज़िम्मेदार, उनको हमने कहा भाई इमरजेंसी को टॉयलेट का इंतज़ाम कराया जाए, इतने लोगों के लिए ये थोड़ा है। तो उन्होंने बेचारों ने खैर उसका इंतज़ाम किया, उसके वज़ू के लिए उनके लिए हमने लोटे भेजे और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भिजवाई। और कल हमने अपने जो हमारे SDM साहब हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये सारा काम, इसमें हुकूमत का कोई पैसा नहीं लग रहा, ये इन्होंने हमें बताया है, आम लोगों के दान से, चंदे से और लोगों की मदद से हो रहा है। हमने भी उसमें खाने पीने की बहुत सारी, सारा राशन वहाँ भेजा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें गलत फैलाई गई हैं और पूरे इलाके में एक गलत मैसेज गया है, एक ख़ास मज़हब के लोगों में एक मायूसी नज़र आ रही कि आखिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। मेरी दरख्वास्त है सभी जितने भी चैनल के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग, कि वो सही बात चलाएं, कोई गलत बात ना लेके जाएं, जिससे पूरे मुल्क में अमन कायम हो। एक बल्कि इस वक्त में मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, सारे लोग दुआओं में लगें, अपने अपने धर्म के एतबार से वो पूजा पाठ करें, मांगें, अपने रब को राज़ी करें। मुसलमानों से भी गुजारिश है कि वो तौबा इस्तगफार करें और एक दूसरे अपने पड़ोसियों की मदद करके इस मुश्किल हालात में एक दूसरे के काम आए। ये थी बहुत सारी बातें जो हमने आपके सामने पेश की और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है और ये सही था। इसलिए हमारे यहाँ के जो रामपुर मनिहारान के SHO हैं, उन्होंने उसकी जांच की और जांच में ये गलत पाया, SSP साहब को रिपोर्ट दी, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर इसको शेयर किया और सब तक पहुँचाया। और इसके अलावा भी बहुत सारी गलत रिपोर्टें भेजी गई हैं। मैं हाथ जोड़कर सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितने ये लोग जहाँ भी सोशल मीडिया पर हों या इसके अलावा जो है प्रेस मीडिया जो भी हमारा काम कर रहा है, वो सब के लोग सोच समझ के काम करें, इसको एक धार्मिक रंग ना देकर किसी खास समुदाय, खास मज़हब के लोगों की तरफ इसको ना जोड़ा जाए। ये जो खबर छापी है, ये गलत मैसेज जो दिया है लोगों को, आपने इस बारे में उनसे कुछ बात की, इस बारे में हमें कुछ बताइए।
देखो, हमने उनसे कोई बात नहीं की, हम आपके चैनल के ज़रिए हम उन तक ये पैगाम भेज रहे हैं। हाँ, और बल्कि दरख्वास्त करते हैं कि वह आइंदा ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहें, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे हमने ऊपर तक अपनी जमीयत उलमा हिंद तक ये पूरी बात पहुँचाई, हमारी इस वक्त सब हरकत में हैं, जगह जगह इस पर मशवरे हो रहे हैं कि हमें इस पर क्या फ़ैसला लेना है। अभी तक मीटिंगें चल रही हैं, फ़ोन पर बात हो रही है, अभी कोई फ़ाइनल डिसीज़न, कोई फ़ाइनल अभी तक हमने तय नहीं किया है। जो होगा वो इंशाल्लाह आगा उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, मुतला करेंगे, और हम अभी ऐसा कोई ख़ास कदम अपनी तरफ से नहीं उठाएंगे। हमारी पूरी ऊपर तक एक मीटिंग होती है, मशवरे से जो बात तय होती है वो करते हैं। बल्कि मैं इन्हें फिर हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना हो, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, अंजाम भी ख़तरनाक होते हैं, उसके लिए पूरे इलाके में एक फितना और झगड़े फसाद और नफ़रतों का माहौल जैसा देखने में आ रहा है। बल्कि कुछ लोग तो बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम यहाँ चैनल पे बोल भी नहीं सकते, मतलब हमारे बारे में, और बल्कि वहाँ जो वो हमारे जमात के लोग वहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ बहुत ही घटिया शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत ही घटिया लफ्ज़, यानी ऐसा किया गया गोया कि ये कोरोना वायरस इन्हीं में से पैदा हुआ है, हालांकि सबकी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त फिर हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, मुश्किल घड़ी है, मुसीबत का दौर चल रहा है, पूरे मुल्क पर हालात हैं हर एतबार से, एक दूसरे के काम आएँ और एक दूसरे को माफ़ भी करें अगर कोई ख़ता हो रही हो। अपने कैमरा सहयोगी के साथ रामपुर मनियारान से सिटी वेब न्यूज़ के लिए मैं तारिक सिद्दीकी।